ये जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। ये मोदी जी ने जो करा है ना, यहाँ का देखो आप, महंकाल उज्जैन नगरी का देखो आप, मंदसौर में देखो आप, जहाँ भी देखो वह एक ही नारा है कि मोदी मोदी। बस पूरी दुनिया से इसमें सारे लोग आएंगे, सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा पूरी दुनिया का और हजारों हजारों लोग आएंगे। तो यही मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और युवा जुड़े मेरे साथ में, अपने धर्म को लेकर के आगे चढ़े, सनातन धर्म को लेकर के आगे चढ़े और नाम रोशन करे अपने धर्म का। आ गए, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से श्लोक में आ गए हैं साहब। और ये जो नजारा देखा हमने, इसके पहले भी हम दो बार आ चुके हैं यहाँ, इतनी धूल उड़ती थी और आज तो ये लग रहा है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमको आज 15 दिन हो गए हैं, हम 11 तारीख को यहाँ आए थे, लेकिन ये नजारा हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। ये जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। ये मोदी जी ने जो करा है ना, यहाँ का देखो आप, महंकाल उज्जैन नगरी का देखो आप, मंदसौर में देखो आप, जहाँ भी देखो वह एक ही नारा है कि मोदी मोदी। बस हम MP उज्जैन से आए, महंकाल की नगरी से, और महंकाल की नगरी में यह स्थिति कर दी साहब कि क्या बताएं आपको, कुछ कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता आदमी, यह हालत कर दी मोदी ने। दी परिवार सही थी, मिसेज भी साथ में ही है। आज दर्शन करेंगे, ये लगेगा कि हमारे जो जो जिंदगी में नहीं करा वो काम आज हो जाएगा। अरे भले ठंड कुछ भी नहीं लग रही है, बिल्कुल ठंड नहीं है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी गर्मी ही यहाँ, तो बहुत आनंद आ रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही सुनहरा अवसर है जो कि कई सौ साल बाद आया है। और आपको हम अपने बारे में बता दें, मेरा नाम पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव है, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने सितंबर 2018 में भविष्यवाणी की थी कि अक्टूबर 2019 के बाद राम मंदिर बन जाएगा और वो साक्षात हुआ। और इसकी मैंने ये भी भविष्यवाणी की है कि पूरी दुनिया से इसमें सारे लोग आएंगे, सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा पूरी दुनिया का और हजारों हजारों लोग आएंगे। और नेक्स्ट 20 साल आने वाले और नेक्स्ट 111 साल इतनी महिमा होगी इस दुनिया में कि इससे बड़ा तीर्थ कोई होगा ही। और यहाँ पर आने वालों की सितारे और नक्षत्र ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा अद्भुत और ऐसा अद्भुत पावरफुल पूरे विश्व का ये सेंटर बनने वाला है और कई हजारों सालों तक इसकी महिमा का गुणगान रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है। उनकी महिमा भी कहते हैं हजारों सालों तक रहेगी जो उन्होंने ये स्थापित किया। और बाकी साधु संतों की, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का और जितने भी साधु संत जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सब का रोल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और पूरे देशवासियों को इससे बहुत खुशी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, रात से इनफैक्ट लगे हुए थे और सुबह सुबह सब आ गए। तो ये बहुत ही अच्छा महत्व है, मैं कहूँगा सारे देशवासियों को धीरे धीरे करके आके दर्शन करना चाहिए। फिर अभी भी हम लोग मुगलसराय उतर के बनारस होते हुए अभी अयोध्या हम लोग आके पहुँचे हैं। अयोध्या पहुँच के पहले हम लोग सरयू में स्नान किए, सब लोग हम लोग सरयू में स्नान करके हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी का दर्शन करके अभी राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम नीरज गुप्ता। पंकज गुप्ता। कहाँ से आप? आसाम से, एक ही जगह से आए हैं हम लोग। कैसा लग रहा है प्रभु श्री राम का दर्शन करने? बहुत ही अच्छा, बहुत ही मन बहुत उल्लास से भरा हुआ है। कब आए थे आप लोग यहाँ? हम लोग कल पहुँचे हैं, कल पहुँचे हैं और यहाँ आज आए हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, वो कैसा लगा आपको? वो तो बहुत हम लोग देखे, चैनल के माध्यम से देखे, चैनल के माध्यम से देखे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा लगा। कल पहुँच गए थे पर मुगलसराय पे थे, वहाँ से बाई रोड यहाँ आए हैं। तो कल एंट्री नहीं थी? कल एंट्री नहीं थी। तो आज दर्शन कर रहे हैं? आज दर्शन कर रहे हैं। सर्वप्रथम सरयू नदी में नहाया है, उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन किया, अब राम मंदिर का दर्शन करना है, रामलला का। बहुत बहुत मेरा तो धन्य हो गया जीवन यहाँ पर आकर। अभी राम मंदिर जाएंगे, अभी हनुमानगढ़ी हो गया, फिर राम मंदिर जाएंगे। जी जी जा रहे हैं जी। 18 तारीख से आया हूँ, बहुत खुशी से उत्साह से हर एक कोशिश कर रहा हूँ जाने की। आज मिला है मौका, आज सरकार ने द्वार खोल दिया, जा रहे हैं आज। जी जी, खुशी से तो बहुत बनवाया। एक संदेश देना चाहता हूँ युवा को कि जैसे युवा मैं भी हूँ और बढ़ रहा हूँ, सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा हूँ और हिंदुओं की, जैसे हिंदुओं का मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो यही मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और युवा जुड़े मेरे साथ में, अपने धर्म को लेकर के आगे चढ़े, सनातन धर्म को लेकर के आगे चढ़े और नाम रोशन करे अपने धर्म का।